हाय एवरीवन, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई वीडियो में। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप का जो पिछला अपडेट आया हुआ है, जैसे कि 20.3.2, तो इस अपडेट के आने के बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ कुछ समस्याएं आ रही है। जैसे कि वो लोग पोषण ट्रैकर ऐप को जैसे ही ओपन कर रहे हैं, तो उनके सामने यहाँ पर माई प्रोफाइल का जो ऑप्शन है वो खुल के आ जा रहा है। जैसे ही वो लोग ओपन कर रहे हैं, बार बार ओपन कर रहे हैं, तो उनके सामने यही प्रोफाइल खुल के आ रहा है, बाकी दूसरा कोई भी वर्क वहाँ पे वो लोग नहीं कर पा रही हैं। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। जैसा कि आप लोगों से बोला जा रहा है कई दिनों से कि आंगनबाड़ी सेविका हो या सहायिका हो, उनका जो प्रोफाइल अपडेट है वो कम्प्लीट होना चाहिए, 100% कम्प्लीट होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर अदर काम कर पाएंगे। तो सभी सेविका बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप का जो माई प्रोफाइल वाला ऑप्शन है उसको आप लोग 100% कंप्लीट कर लें। कंप्लीट कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को इस प्रकार से जो प्रोफाइल खुल के आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना आधार नंबर डाल लेना है। एज़ फॉर आधार, कहीं भी मिस्टेक नहीं करनी है, जैसा आधार पे नंबर दिया गया है वही आधार नंबर आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों का नाम है, आधार कार्ड पर जैसा नाम है वैसा ही नाम आप लोगों को यहाँ पर अब फिल कर देना है। सरनेम है तो सरनेम ज़रूर डालना है, और सिर्फ आपका नाम है तो नाम ही डालना है, ठीक है। कई बार ऐसा हो रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका बहनों से गलती हो रही है कि आधार कार्ड पे दूसरा नाम है और लोग यहाँ पे दूसरा नाम डाल के सबमिट कर दे रही हैं। तो सबमिट तो हो जाएगा, लेकिन बार बार आप लोग इस प्रकार से जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा कि माई प्रोफाइल, पोषण ट्रैकर ऐप खोलते ही माई प्रोफाइल का जो ऑप्शन है वो फिर से खुल के आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग डेट ऑफ बर्थ भी आप लोग एज़ फॉर आधार ही यहाँ पर डालेंगी, ठीक है। अब कई कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि कुछ सेविका बहनें जो हैं वो अपना आधार कार्ड को अपडेट कर दी होंगी और उनको पता नहीं होगा, तो वो लोग पुराने वाले आधार कार्ड का ही डिटेल्स यहाँ पे भर रही होंगी। आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है कि हमने जो आधार कार्ड को अपडेट कराया है या नहीं कराया है, तो जो अपडेटेड आधार कार्ड होगा वही आधार कार्ड का डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे जो सारी डिटेल्स है वो फिल कर लेनी है। तो फिल करने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, जैसे कि सबमिट जैसे ही करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फिर से री लॉगिन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग जो ऑप्शन है, यहाँ पर री लॉगिन करने का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है और आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप को फिर से री लॉगिन कर लेना है। तो पोषण ट्रैकर ऐप में आप लोगों को फिर से री लॉगिन कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर डाल के और यहाँ पे एम पिन डाल के री लॉगिन कर लेना है। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो ये न्यू अपडेट आया है, यहाँ पर अगर आप लोग गलत एम पिन 3-4 बार डाल देते हैं, उसके बाद आप लोगों का जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो 1 घंटे के बाद यहाँ पर खुल पाएगा, ठीक है। ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना है, जो आप लोगों का एम पिन है वही एम पिन डालिएगा। गलत एम पिन डालने के बाद आपका पोषण ट्रैकर 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा, उस पर आप लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम अपना एम पिन डाल चुके हैं, अब यहाँ पे सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर फिर भी आप लोगों को वो जो मैसेज है वो दिखा रहा है कि आपका जो माई प्रोफाइल वाला ऑप्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों को 1 घंटे वेट कर लेना है। 1 घंटे के बाद में आपका जो ये प्रोफाइल है उसको सर्वर पे अपलोड कर दिया जाएगा, फिर आपका जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो कुछ भी इस प्रकार से आप लोगों का खुलने लगेगा। तो इस प्रकार से न्यू अपडेट में आप लोगों से बोला जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका हो या सहायिका हो, आप दोनों का यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, वो जितना जल्द हो सके अपना आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ले। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।